बहुत आकर्षित करता है। इसी तरह से फिल्म का भी ऐसा है, फिल्म जिस तरह से डिज़ाइन की गई है और जिस तरह के आर्टिस्ट इसमें हैं, सभी अच्छे परफॉर्मर्स हैं, शर्मन जोशी अच्छा काम करते ही हैं, मनोज पहवा हैं इसमें, मनोज जोशी हैं इसमें, अखिलेंद्र मिश्रा हैं इसमें, और इस तरह के जो अच्छे आर्टिस्ट हैं वो इसमें हैं। और कहानी बहुत एनग्रॉसिंग है, एक डोम की कहानी है जो मुर्दों को जलाने का काम करते हैं, और बनारस तो उसके लिए फेमस ही है, मणिकर्णिका घाट जहाँ 2400 घंटे मुर्दे जलते हैं, वहाँ पर ये मुर्दे जलाने के काम करते हैं। कहानी को ज़्यादा एलिबरेट नहीं करूँगा क्योंकि सस्पेंस है। उसकी बहन मेरे बेटे से प्यार करती है, वो अपनी बहन को मना करता है और मैं अपने बेटे को मना करता हूँ कि ये मेल ठीक नहीं है, दोनों हम एक रिच फैमिली से हैं, बड़ी ऊंची जात के हैं, वो नीचे जात के हैं, करीब हैं, मतलब इस तरह के डिफरेंसेस हमको आगाह करते हैं लेकिन वो नहीं मानते। अचानक उसकी बहन गायब हो जाती है, तो उसको ये यकीन हो जाता है कि मेरे बेटे ने ही उसको कुछ किया है, उसको गायब किया, तो वो घड़ी घड़ी बेटे को भी परेशान करता है, हमारे घर आता है, हमको परेशान करता है। मैं उसको वार्न करता हूँ कि देखो ऐसा नहीं है, तुमको गलतफहमी है, तुम अपनी बहन को कहीं और ढूंढो और यहाँ बार बार आके हमको परेशान नहीं करो, मैं फिल्म का विलन हूँ। एक मोमेंट पर जो उसको मालूम पड़ता है कि वो लोग वहाँ पर मनाली गए हुए हैं, तो वो वहाँ जाके मेरे बेटे का मर्डर कर देता है। उसके बाद फिर सारा वो सब शुरू हो जाता है, एक बड़ा कोर्टरूम ड्रामा है इसमें और काफ़ी इंफॉर्मेशंस के साथ, काफ़ी इंटरेस्टिंग ड्रामेटिक एलिमेंट्स के साथ कोर्टरूम ड्रामा चलता है। और फाइनली इन द एंड शर्मन जोशी इतना हाइपर हो जाता है कि वो अब विटनेस बॉक्स से निकल के, और मैं वहाँ दर्शक दीर्घा में बैठा होता हूँ, आके मेरा गला दबा देता है, मुझे मर्डर कर देता है। सो एक मोटे तौर पर एक छोटी सी मैंने लाइन बताई। एक फिल्म का डिज़ाइन बहुत इंटरेस्टिंग है और मेरा दावा है कि ये फिल्म पब्लिक को बहुत पसंद आएगी और बहुत चलेगी। ओके सर, इसी के साथ में अपने किरदार के बारे में कुछ बताइए। जिस तरीके से आपने बोला कि मतलब एक विलन कैरेक्टर आप प्ले कर रहे हैं, सो उस कैरेक्टर के बारे में बताइए सर अपने। कि ये समाज का बहुत ही दबंग व्यक्ति है, पॉलिटिक्स में भी इसका दखल है और हर चीज़ को अपने हिसाब से कर लेता है, इतनी पावर है इसमें, और फिल्म का विलन है। इससे ज़्यादा बता नहीं सकते क्योंकि स्टोरी से रिलेटेड है। इसके साथ एक और फिल्म आ रही है, 26 को ही रिलीज़ हो रही है, उसका नाम है दशहरा। दशहरा बिहार के बैकड्रॉप पर है, पॉलिटिकल सिनारियो है, हर तरह के पॉलिटिशियंस होते हैं, सरकारों में आते हैं, सरकार बनाते हैं, कुछ अच्छे पॉलिटिशियंस होते हैं जो पब्लिक के हित में काम करते हैं, पब्लिक के लिए जी जान से उनकी डेवलपमेंट के बारे में, उनके विकास के बारे में काम करते हैं, राज्य के विकास के बारे में बात करते हैं, राज्य के विकास के लिए काम करते हैं। लेकिन कुछ पॉलिटिशियंस ऐसे भी होते हैं जो नहायत ही स्वार्थी होते हैं, लोभी होते हैं, लालची होते हैं, उनको दिखता है ना कि पैसा पैसा पैसा, तो वो पगला से भी जाते हैं। और सिर्फ पैसा कमाना, अपने पॉकेट में डालना, अपने खजानों में डालना, अपनी 10 जनरेशन, अपनी 10 पीढ़ियों का इंतज़ाम करके जाना, यही उनका मकसद रह जाता है। पब्लिक की सेवा, पब्लिक का विकास, राज्य का विकास, ये छूट जाता है। ऐसा ही कुछ इसमें भी सब दिखाया है। मैं बिहार का चीफ मिनिस्टर हूँ और फिल्म का विलन हूँ। ये फिल्म भी बहुत एंटरटेनिंग, धमाल फिल्म है, कमर्शियल, टोटली कमर्शियल फिल्म है। इसका जोनर बिल्कुल डिफरेंट है काशी से। ये टोटल कमर्शियल फिल्म है, थ्रू आउट एंटरटेनिंग है
और जो उम्मीदें हमारे दर्शक मुझसे लगाते हैं कि जब भी मैं आऊँगा तो कुछ नया, कुछ अच्छा, कुछ अलग सा देखने को मिलेगा, उनकी उम्मीदें भरपूर मैं ढंग से पूरी करने वाला हूँ दोनों ही फिल्में, और इस फिल्म में ख़ास तौर से ज़्यादा। इसमें आपको मेरी कॉमेडी भी दिखेगी, इसमें मैंने डांस भी किया है, इसमें मैंने डराया भी है, सो हर तरह का शेड इसमें देखने को मिलेगा ये दोनों फिल्में। ओके सर, जिस तरीके से आपने कहा कि दोनों फिल्मों का पर्सोना एक अलग अलग है, एक अलग अलग तरीके के मतलब शेड्स हैं, तो एक एक्टर के लिए सर कितना मुश्किल होता है एक कैरेक्टर से निकल के दूसरे कैरेक्टर को पकड़ना? एक तरफ काशी है, एक तरफ दशहरा है, तो आपके लिए सर कितना मुश्किल होता है कि मतलब एक से दूसरे कैरेक्टर को चुनना? चूँकि इतने सालों का अनुभव है सो ज़्यादा तकलीफ नहीं होती है, सिर्फ एक आधा घंटा लगता है इस कैरेक्टर से उस कैरेक्टर में जाना। अभी पिछले दिनों तो मैं एक फिल्म कर रहा था, वो महात्मा फुले पर थी, मैं महात्मा फुले का किरदार कर रहा था। उन दिनों जब बैंडिट क्वीन, आपने सुना होगा फिल्म के बारे में, ये बात है तकरीबन 94-95 की, मतलब ये किस तरह से कंट्रास्ट कैरेक्टर्स होते हैं और किस तरह से उनको हम करते हैं, आपके सवाल का जवाब। तो हम पुणे में शूटिंग कर रहे थे, तो महात्मा फुले, आपने सुना होगा उनके बारे में, उन्होंने नारी उत्थान के बारे में बात की, उन्होंने नारी शिक्षा के बारे में बात की और उनके लिए खूब काम किया। तो एक तरफ नारी उत्थान की बात करता था मैं जब मैं महात्मा फुले का किरदार करता था, और वहीं से सीधा मैं जाता था दिल्ली, और वहाँ से सीधा चंबल, और वहाँ बैंडिट क्वीन में मैं विलन था, ठाकुर श्रीराम सिंह, तो वहाँ मैं नारियों की रेड मारता था, वहाँ रेप करता था। सो ये जो कंट्रास्ट है ये करने का हमको अभ्यास है, और नाटकों में भी हम ऐसा करते हैं कि दिन में हम रिहर्सल किसी और प्ले की कर रहे हैं और शाम को शो कोई और शो है, और जैसे जब जब हमारा फेस्टिवल होता है, जैसे आज एक प्ले है कल दूसरा प्ले है, तो कल जो प्ले है उसकी हम रिहर्सल कर रहे होते हैं, और आज का जो शो है उसका एक घंटे पहले रिहर्सल करके शो कर देते हैं। सो इस तरह का अभ्यास है हमें, कोई दिक्कत नहीं। अभी इन दो फिल्मों के बाद नवंबर में मेरी दो फिल्में हैं, एक पहला नैनानी साहब की वो है राजा रंगीला, जिसमें गोविंदा डबल रोल में है, उसमें मैं एक पॉजिटिव किरदार कर रहा हूँ, और एक और फिल्म है उसका नाम है जंक्शन वाराणसी, उसमें भी हाईली पॉजिटिव कैरेक्टर मैं कर रहा हूँ। अभी जैसे बनारस की फिल्म है दशहरा, उसमें हाईली पॉजिटिव हूँ, और जो नवंबर में कर रहा हूँ जंक्शन वाराणसी, उसमें हाईली पॉजिटिव कैरेक्टर में हूँ। इसमें एक डॉक्टर का किरदार है, उसका पेन ये है कि उसका बेटा मेंटली रिटार्डेड है, तो वो अपने बेटे के लिए रोता रहता है हमेशा, फिर वो शहर छोड़ के गांव आ जाता है, और फिर गांव वालों का फ्री में इलाज करता है। वो सोचता है, उसकी सोचिए कि अगर मैं फ्री में इलाज करूंगा तो लोगों की दुआएं मिलेंगी, तो शायद इनकी दुआओं से मेरा बेटा ठीक हो जाए। तो इतना पॉजिटिव कैरेक्टर है इसमें ज़रीना बहाव मेरी वाइफ। फिर दिसंबर में दो फिल्में हैं मेरी, एक का नाम है झलकी, उसमें एक कैरेक्टर है, झलकी जो है एक बच्ची का नाम, बाल मजदूरी पर बेस्ड है ये फिल्म, वो मुद्दा है इसमें। इसमें एक किरदार है जो गांव-गांव जाता है और बच्चों को बटोरता है, और उनके पेरेंट्स को कन्विंस करता है कि ये बच्चे यहाँ घूमते फिरते हैं, ना स्कूल जाते हैं, दिन भर मटर गश्ती करते रहते हैं, इनको मैं शहरों में नौकरी पर लगा देता हूँ, उनकी लाइफ बन जाएगी और आपको भी पैसे मिलते रहेंगे महीने महीने। तो और पेरेंट्स कन्विंस हो जाते हैं, और फिर लालच देने के लिए किसी को 1,000 रुपये दे दिया, किसी को 500 रुपये दे दिया, किसी को कुकर दे दिया, किसी को ट्रांजिस्टर दे दिया। ये जो लग्जरी है वो लग्जरी दिखाता है, देता है, तो गाँव वाले खुश हो जाते हैं और वो खुशी खुशी भेज देते हैं, और ये शहरों में जाके अलग अलग फैक्ट्रियों में बच्चों को काम पर लगवा देता है, और बंधुआ मजदूरों की तरह वो लोग बच्चे काम करते हैं, और ये फैक्ट्री वालों से पैसा लेके अपने खीसे में डालता है।
तो ये दलाल का कैरेक्टर मैं इसमें कर रहा हूँ। इसके साथ एक और फिल्म है नवंबर में, दिसंबर में ही, उसका नाम है कमिंग बैक डार्लिंग। वो स्विट्जरलैंड में शूट की है हमने पूरी फिल्म, और तकरीबन 80-90% बर्फ़ में शूट हुई है। अगर हम अंदर कमरे में भी शूटिंग कर रहे हैं तो बाहर खिड़की में से दिख रहा है कि बर्फ़ गिर रही है या बर्फ़ जमा है। ये एक मर्डर मिस्ट्री है, और मर्डर मिस्ट्री को जो अनफोल्ड करता है वो कैरेक्टर मैं कर रहा हूँ, इसमें कॉप का कैरेक्टर है। सो एक ये फिल्म भी है, दो फिल्में दिसंबर में हैं, दो फिल्में नवंबर में हैं, और एक फिल्म जनवरी की जो मैं जिसकी मैं ज़रूर बात करना चाहूँगा, ये एक हॉलीवुड बॉलीवुड का कंबाइंड प्रोजेक्ट है। ये 26 जनवरी को रिलीज़ प्लान है इसकी। ये इसका नाम है द गांधी मर्डर। ये उस टाइम पीरियड की कहानी है जब गांधी जी को असैसिनेट किया गया था पार्टीशन के इमीडिएट बाद 1948 में। ये उस टाइम पीरियड की कहानी है। इसमें तकरीबन 60% हॉलीवुड के एक्टर्स टेक्नीशियंस हैं, 40% हमारे इंडिया से हैं। दो इसमें डायरेक्टर्स हैं, एक अल्जीरिया के डायरेक्टर हैं करीम ट्रेडिया, उन्होंने हॉलीवुड की कई फिल्में डायरेक्ट की हैं, और हमारे इंडिया से मिस्टर दीपक सहगल हैं, वो इस डायरेक्शन में हैं, और वन ऑफ द प्रोड्यूसर्स भी हैं। एक दुबई की कंपनी है नूजैन फिल्म्स, वो इसको प्रोड्यूस कर रही हैं। इसमें मैं मोरारजी देसाई का किरदार कर रहा हूँ। इसके पहले एक फिल्म की थी मैंने चापेकर ब्रदर्स, अगर आपने देखी होगी, उसमें मैंने लोकमान्य तिलक का कैरेक्टर किया था। सो हर तरह के हर कलर के कैरेक्टर्स, हर टेम्परामेंट के कैरेक्टर्स अभी पब्लिक के सामने आने वाले हैं। अच्छा लगता है ये सोच के कि दर्शकों का प्यार भी मिल रहा है, दर्शकों की तरफ से इतना मान सम्मान मिलता है, और हमारे इंडस्ट्री के लोग भी मुझ पर इतना ट्रस्ट करते हैं कि एक तरफ उतना हाईली नेगेटिव किरदार भी दे रहे हैं और ये इतना हाईली पॉजिटिव किरदार भी दे रहे हैं, और एक तरफ मोरारजी देसाई भी कर रहा हूँ मैं, लोकमान्य तिलक भी कर रहा हूँ। सो ये ट्रस्ट है जो एक किसी भी एक्टर के लिए बहुत बहुत खुशी देता है, बहुत खुशी की बात है। ओके सर, इसी के साथ में नेगेटिव कैरेक्टर भी आपने करे हैं जिस तरीके से आपने कहा बहुत सारे, एंड पॉजिटिव भी आपने बहुत करे हैं। सो आप खुद को कहाँ पे सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल मानते हैं? अगर कैरेक्टर मीठी है, उसमें उसमें शेड्स हैं, तो चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, मैं दोनों में कंफर्टेबल होता हूँ। दोनों, क्योंकि हमारा जैसे ही कोई कैरेक्टर नरेट होता है हमको इमीडिएटली हम उस पर वर्क करना शुरू कर देते हैं, तो एक रिसर्च वर्क होता है हर कैरेक्टर के साथ। सो वो मुझे हमको इतना कंफर्टेबल कर देता है कि हम चाहे वो नेगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव हो, हम उसको अच्छे ढंग से कर जाते हैं। हमारी जो ट्रेनिंग है, हमारा जो थिएटर का एक्सपीरियंस है, जो फिल्मों का एक्सपीरियंस है, वो सब इसमें हेल्प करता है। ओके सर, इसी के साथ में कोई अगर एक ऐसा किरदार जो आपके दिल के सबसे ज़्यादा क्लोज हो, वो आप कौन से किरदार को बोलेंगे कि मतलब जो आपके मतलब सबसे स्पेशल हो, जो सबसे ज़्यादा आपके मतलब क्लोज हो दिल के? वैसे तो मतलब एक किरदार नहीं है ऐसा, लेकिन तीन चार फिल्में हैं ऐसी, जैसे विरासत में एक कैरेक्टर मैंने किया था, वो लकवाग्रस्त ठाकुर का किरदार, आपने देखी होगी फिल्म। उसमें चूँकि उसमें मेहनत ज़्यादा लगी, उसमें हमको अभ्यास ज़्यादा करने पड़े, प्रैक्टिस ज़्यादा करनी पड़ी, और वो लोगों ने बहुत अप्रिशिएट भी किया, और फिल्म में बहुत अच्छे ढंग से, बहुत ही इम्पैक्टफुली वो आया, बहुत रजिस्टर हुआ, पब्लिक ने भी बहुत अप्रिशिएट किया मेरा कैरेक्टर भी और फिल्म को भी, इस वजह से वो बहुत नज़दीक है। एक फिल्म मैंने की थी इसी के तुरंत बाद, आर के बैनर की थी प्रेम ग्रंथ, पता नहीं आपने देखी कि नहीं, लेकिन वो बहुत ही अच्छी बनी थी। उस फिल्म से फिल्म चल नहीं पाई थी, लेकिन मेरा कैरेक्टर उस फिल्म में बहुत अप्रिशिएट किया गया था। उस फिल्म जिस हफ्ते वो फिल्म रिलीज़ हुई, उसके अगले हफ्ते चार बड़ी कमर्शियल फिल्में मैंने साइन की थी। उस फिल्म को देखने के बाद उन लोगों ने मुझे साइन किया था,
तो इस फिल्म के बाद ये जो मेरा इंडस्ट्री में टर्निंग पॉइंट आया, उसके बाद फिर लगातार सब अच्छा चल रहा है। एक और किरदार जो जिसका मैं चर्चा करना चाहूँगा, सरफरोश, उसमें वीरप्पन का कैरेक्टर मैंने किया था, वीरप्पन जैसा, वीरन नाम था उस कैरेक्टर, वो भी लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया और वो भी अच्छे दम के साथ आया। ओके सर, इसी के साथ में काफ़ी टाइम से आप काम कर रहे हैं हिंदी सिनेमा में, तो मतलब कितना बदलाव देखते हैं आप पूरे सिनेमा में तब से लेके अब तक? जमीन आसमान का फर्क हो गया। पहले जिस तरह की फिल्में बनती थी, बहुत ही फार्मूला टाइप, स्टीरियो टाइप फिल्में हुआ करती थी, जिसमें हीरो हीरोइन विलन रोमांस फाइटिंग एक दो चार पांच गाने, उसमें एक हीरोइन का बारिश का गाना हो, कुछ इस तरह से वो सब प्लान होती थी। इन्हीं पॉइंट्स के ऊपर सारा सब पूरा सब्जेक्ट बुन लिया जाता था और फिल्म बनती थी। और एक्टिंग का स्टाइल भी थोड़ा डायलॉग बाजी, बड़े बड़े संवाद और अच्छे धमाकेदार बोले गए संवाद, उस तरह से होते थे। और पहले के टाइम में जितना विलन को फुटेज मिलती थी, जितना हाइप विलन को मिलती थी, हीरो को मिलती थी, उतनी ही फुटेज, उतना ही हाइप विलन को भी मिलता था। तो जैसे मोगाम्बो या शोले का इस तरह के नेगेटिव किरदार इसलिए इतने पॉपुलर हुए क्योंकि उनको उतना हाइप मिला, उतना प्रेजेंटेशन उस तरह का हुआ, उस लेवल का। आजकल रियलिटी बेस्ड सब्जेक्ट आ रहे हैं, आम जिंदगी से सब्जेक्ट्स उठाए जा रहे हैं, जैसे अभी तो सुई धागा जैसे है, हम एक छोटे से कस्बे की कहानी, और दूसरी दंगल, सुल्तान, ये जितने भी हैं उस पर्टिकुलर एरिया में जाते हैं और वहाँ की कल्चर, वहाँ की कहानी उठाते हैं और प्रेजेंट कर देते हैं। उसी तरह से एक्टिंग का भी स्टाइल चेंज हो गया है, जो बड़े बड़े डायलॉग और डायलॉग बाजी जिस तरह की हुआ करती थी अभी नहीं होती है। अभी बहुत जिस तरह से हम बात कर रहे हैं, जिस तरह से हम बात करते हैं आम जिंदगी में, बिल्कुल वैसे डायलॉग बोले जा रहे हैं, बिल्कुल वैसे ही सीन पिक्चराइज किए जाते हैं। सो अभी जो भी नए एक्टर्स आ रहे हैं, चाहे राजकुमार राव हैं, आलिया भट्ट हैं, अभी जो धड़क में ईशान जानवी, और ये जो नई ब्रीड आई है, ये भी इसी तरह से ट्राई कर रही है, बिल्कुल नेचुरल डायलॉग बोलते हैं और वो अच्छे भी लगते हैं, पब्लिक ने एक्सेप्ट भी किया। सो अभी एक बहुत सिलसिला चल पड़ा है, एडवांस टेक्नोलॉजी है, एक से एक बढ़िया कैमरे आ गए, ड्रोन आ गया है, मतलब आप यहाँ बैठे बैठे आसमान से आप दुनिया भर का शूट कर सकते हैं और अपने हाथ से उसको ऑपरेट कर सकते हैं। आप देखिए क्या नज़ारे क्रिएट कर देते हैं फिल्म के अंदर। सो बिल्कुल टोटल चेंज हो गया है पहले से अब, और बहुत एक्साइटिंग है। मल्टी स्टारर फिल्में भी चल रही हैं, मीडियम बजट की फिल्में भी चल रही हैं, छोटे बजट की भी फिल्में चल रही हैं, और पब्लिक को पसंद भी आ रही हैं। सो बहुत ही अच्छा माहौल है, बहुत अच्छा वातावरण है। ओके सर, लास्टली क्या कहना चाहेंगे अपने दर्शकों से, आपके फैन से? मैं दर्शकों से यही कहना चाहूँगा कि अब तक जो प्यार मुझे दर्शकों से मिला है, जो सम्मान मुझे मिला है, मेरे काम को जो अप्रिसिएशन आपसे हमें मिला है, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा, 110% कोशिश करूँगा कि आपकी उम्मीदों पर मैं खरा उतरूँ। और ये कोशिश आप मेरी जो भी फिल्में आ रही हैं आपको उसमें ज़रूर दिखाई देगी। प्लीज़ 26 तारीख को दोनों फिल्में देखिए, मेरा दावा है आपको दोनों फिल्में बहुत पसंद आएंगी। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर।